हम स्टार्ट करेंगे बोन्स, तो हम देखते हैं कैटेगरी ऑफ बोन। बोन को हम वैसे तो काफी तरह से डिवाइड कर सकते हैं, बट फर्स्ट डिवीजन हम देख रहे हैं कि उनकी पोजीशन के बेस पे हमने बोन को किस तरह से डिवाइड कर रखा है। तो हमने कैटेगरी के अकॉर्डिंग बोन को दो ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है, एक्साइल बोन एंड अपेंडिकुलम। एक्साइल बोन जैसे नाम से पता चल रहा है कि एक्साइल जो कि सेंटर में होंगी, तो ये हमारे पास जो हेड में प्रेजेंट होती है एंड जो हमारे पास टॉर्सो में प्रेजेंट होती है। ठीक, हेड और टॉर्सो में जो हमारे पास बोन्स प्रेजेंट होंगी उनको हम कंबाइनली बोलते हैं एक्साइल बोन। इसके अपार्ट फ्रॉम दिस जो भी हमारे पास ये पार्ट बचा हुआ है जो कि कलरलेस है, ये व्हाइट सा आपको दिख रहा होगा, ये हमारे पास क्या है, ये अपेंडिकुलर बोन है। और जो सेंटर में ये ब्लू कलर से रिप्रेजेंट हो रखा है, ये हमने एक्साइल बोन को रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, तो ये जो हमने कैटेगरी डिवाइड की है, ये बोन को हमने डिवाइड किया है उनकी पोजिशन के अकॉर्डिंग, कि हमारी जो बोन है वो जिस जगह पे प्रेजेंट है उसके बेस पे हमने इनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। नेक्स्ट आगे हम देखेंगे फंक्शन ऑफ बोन, की बोन आगे क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करती है। तो वैसे आपको पता ही होगा कि सपोर्ट वगैरह के लिए एंड कुछ स्टोरेज वगैरह का काम करती है। तो बोन का फर्स्ट काम क्या है, सपोर्ट द बॉडी। अगर हम इस बोन को यहाँ बॉडी से निकाल दें तो जो बाकी का स्ट्रक्चर हमारे पास बचेगा वो ऐसा कि स्ट्रेट खड़ा भी नहीं हो पाएंगे हम बिना बोन के। तो बोन हमारे बॉडी को एक सपोर्टिव रोल, सपोर्ट मतलब जो मेन सपोर्ट हमें मिलता है बॉडी के लिए वो हमारी बोन से ही मिलता है, स्केलेटन से ही मिलता है, और स्केलेटन बोन से बना हुआ है। तो बोन का मेन फंक्शन क्या है, फर्स्ट फंक्शन की बोन हमें सपोर्ट प्रोवाइड कराती है। देन बोन प्रोटेक्ट ऑर्गन्स, जो सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं एस हार्ट, किडनी, लंग्स एक्सेट्रा, वो सब क्या होते हैं, इस बोन के अंदर ही यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ताकि उनको बाहर से कोई इंजरी ना हो पाए एकदम से, कि कोई भी चीज कहीं पे टकराई तो ऐसा नहीं हो कि वो एकदम से रैप्चर हो जाए या उनको डैमेज हो जाए। तो बोन वो क्या करती है, एक आउटर कवरिंग बना के रखती है जिसके अंदर हमारे सॉफ्ट ऑर्गन होते हैं जो कि इसके थ्रू प्रोटेक्टेड रहते हैं। देन बोन एक्ट एज अ लीवर, जो भी मतलब हम मैकेनिकल वर्क कुछ करते हैं कि कुछ स्ट्रॉन्ग सी चीज उठाना है या कुछ भी ऐसा काम हमें करना है, तो वो सारे काम हम हमारी बोन की हेल्प से ही कर पाते हैं। द नेक्स्ट, बोन प्रोवाइड मिनरल स्टोरेज, कि बोन हमारी कैल्शियम और फॉस्फेट को मेनली स्टोर करके रखती है। जब बॉडी को इन आयंस की जरूरत होती है, इनकी नीड होती है, तो बोन इनको अपने पास से मतलब डिस्चार्ज भी करती है। तो बॉडी में एक बैलेंस बना के रखती है कैल्शियम और फॉस्फेट का। अगर ब्लड में कैल्शियम और फॉस्फेट ज्यादा हो जाते हैं तो बोन एब्जॉर्ब कर लेती है, और जब बॉडी को जरूरत होती है तो ये रिलीज आउट भी कर देती है। देन आगे जो बोन है वो हार्मोन प्रोडक्शन, फैट स्टोरेज और ब्लड सेल फॉर्मेशन का काम भी करती है। फैट स्टोरेज और ब्लड सेल फॉर्मेशन तो बहुत ही मतलब मेजर रोल है बोन का, जो कि ये रोल प्ले करती है। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप ऑफ बोन्स। अभी हमने जो कैटेगरी देखी थी पीछे, वो हमने देखा था कि ये पोजिशन के बेस पे किस टाइप से हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। तो हमने दो टाइप में एक्साइल और अपेंडिकुलर में डिवाइड किया था। अभी हम देखेंगे कि इनके नेचर ऑफ बोन के हिसाब से, कि नेचर ऑफ बोन के अकॉर्डिंग हमने इनको दो ग्रुप में फर्दर डिवाइड किया हुआ है, स्पंजी बोन एंड कॉम्पैक्ट बोन। इनके नाम से थोड़ा सजेस्ट हो रहा है कि ये किस तरह की बोन होंगी। चलिए फर्स्ट हम देखते हैं कॉम्पैक्ट बोन। जो भी हमारे पास ये बोन होती है उसका जो आउटर कवरिंग है मेनली वो हमारी कॉम्पैक्ट बोन की ही बनी होती है। कॉम्पैक्ट बोन क्या करेगी, इसको हम कॉर्टिकल बोन भी बोलते हैं, हैवी होती है, टफ होती है और कॉम्पैक्ट होती है नेचर। ये मेनली ऑस्टियोन्स की बनी होती है। ये ऑस्टियोन्स हम अभी आगे डिस्कस करेंगे कि क्या है, मतलब बेसिक आप हम बोल सकते हैं कि जो बोन की प्रिंसिपल यूनिट है या जिससे मिलके बोन बनती है, तो वो हमारे ऑस्टियोन्स ही होते हैं। इन्हीं की हेल्प से बोन आगे जाके बनती है। आउटर लेयर होती है सभी बोन्स की, ऐसे यहाँ आपको ये दिख भी रही होगी जो लाइट कलर में ये बाहर की आउटर कवरिंग दिख रही है, ये हमारी कॉम्पैक्ट बोन ही है। और कॉम्पैक्ट बोन में हमारे पास क्या होता है, मेन इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे बोन मैरो प्रेजेंट होता है, जहां से क्या होता है कि हमारी ब्लड की सेल्स फॉर्म होती है। तो ये जो बोन मैरो है वो सिर्फ हमें कॉम्पैक्ट बोन में ही मिलता है, ये स्पंजी बोन में नहीं होता। जो कॉम्पैक्ट बोन है अभी प्रेजेंट कहाँ होती है, जो मेनली हमारे पास ये बोन होगी उसका जो एपिफाइसिस वाला रीजन होगा, एपिफाइसिस जो हमारे पास ये एंड वाला रीजन होता है, यहाँ पे ये बेसिकली प्रेजेंट होती है। ये बोन मैरो की बात की, बोन मैरो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, वो एंड ऑफ द एपिफाइसिस में प्रेजेंट होता है।
नेक्स्ट स्पंजी बोन. स्पंजी बोन क्या होता है, ये कॉम्पैक्ट बोन के अंदर ही प्रेजेंट होता है. ये स्पंजी बोन कभी ऐसे अकेले नहीं होगी, इसके आउटर कवरिंग पे कॉम्पैक्ट बोन हमेशा से प्रेजेंट होगी. स्पंजी बोन आर ऑल्सो कॉल्ड द कैंसिलस बोन. लाइट होती है, सॉफ्ट है और स्पंज लाइक की नेचर में होती है. ये ट्रेबिकुलस नेचर की होती है. इनका स्ट्रक्चर ये कुछ आप यहाँ देख सकते हो, ऐसे ना कॉम्ब लाइक, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है. और ऐसे पतले पतले ट्यूब लाइक्स होते हैं जो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं. दूर से ऐसे देखने में माइक्रोस्कोपिक ये हनी कॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर शो करते हैं. दे फिल द इनर मोस्ट इनर लेयर ऑफ द मोस्ट बोन. आउटर कवरिंग पे जो है वो हमें कॉम्पैक्ट बोन देखने को मिलती है और इनर साइड पे हमें स्पंजी बोन देखने को मिलती है. इनके पास क्या होता है कि बोन मैरो कैविटी अब्सेंट होती है और ये ज्यादातर हमें डायफाइसिस रीजन पे देखने को मिलती है. ये डायफाइसिस रीजन और भी पीछे एपिफाइसिस, ये हम अभी आगे नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाएंगे कि ये कौन से रीजन होते हैं.